इसको ऑलरेडी आप जो पीछे से पानी आ रहा है उसे एक फुट गहरा ले, गहरे में तो चल जाएगा, ऊंचे में नहीं चलेगा। हाँ, गहरे में तो गहरे में तो बाद में कल को रिपेयर करना पड़ेगा, आधा फुट सिल्ट खड़ी रहेगी, मिट्टी खड़ी रहेगी तो चल जाएगा। लेकिन बेड लेवल ऊपर जाने की वजह से आपकी बार क्या हुआ, हमारे सारे खेत खराब हो गए, गाँव में पानी, कॉलोनी में पानी, क्या हुआ कि मुंडका अंडर पास के उसके पास जो ना मुंडका रोड जो रोते रोड के नीचे है, उसी की ड्रेनेज में मलबा वगैरह पड़ गया, वहाँ मरम्मत का काम किया हुआ, उसी वजह से पानी गया है। वो तो हमारा ये जो गुप्ता जी इसका ड्रेनेज का जो सिस्टम है ना हमारा इतना अच्छा है, उसमें तो जो आप बात कर रहे हो ना रोते रोड के नीचे उसमें मलबा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा किया नहीं, वो तो उसमें मैंने देखा था, जेसीबी भी लगवाई थी हमने एक बार जब थोड़ा सा आगे जो कपड़े दिए जेसीबी फेल हो रही थी, इतना जबरदस्त जमा हुआ पूरा बोल्डर के बोल्डर पड़े कहाँ से आए बोल्डर, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर सिल्टिंग हुई हुई है, लेवल तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं है ऊँचा बना था ये लेवल, इन्होंने मैंने अभी पूछा आपसे ही आपको भी इसीलिए बुलाया थोड़ा सा कंफर्म हो जाए, ये सारा लेवल आगे पीछे से इन्होंने जितने पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना जैसे जिस पे हम खड़े हैं या पीछे कोई स्ट्रक्चर है या आगे कोई स्ट्रक्चर है वो सारे लेवल उठा के पक्का पॉइंट उसके अकॉर्डिंग काम किए, और जो 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 ड्राइंग है ना उसका चलेगा इसके अंदर कितनी इसकी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करा, तो वो मतलब देखिए एनएचए का काम ना कोई भी ऐसे लेवल वाला वो आप वो तो आपका डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है जी, लेकिन यहाँ की समस्या जो आने वाली नहीं, नहीं आपने अच्छा जो बेड अवगत करा दिया आपने, अब इसके जो पक्का बेड लेवल उससे भी एक फुट गहरा लेना यही यही चीज है, और वो जो मैं दिखाऊंगा ना आपका वो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तोड़ फोड़ लगता है, वो आप देखोगे तो वो आपका जो लेवल है वो इस पानी के आप उसको एक काम हो मैं आपके सामने इंस्ट्रक्शन दे दिया, थोड़ा सा समय प्रैक्टिकली मशीन से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहने से तसल्ली नहीं हो रही, तसल्ली होगी लेकिन और ज्यादा मन में कॉन्फिडेंस आएगा आपके सामने मशीन से लड़के चेक कर देंगे। मैं तो पसंद भी वही करता हूँ, आज मैं एक्चुअली क्या था कल मैं घेवरा आप वाले रूट से मैं इसलिए देखने गया, सर्वे तो बुलाते आई साइड में विजन में कई बार कैलकुलेशन नहीं बन पाता, मैं मानता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल चेक कर देखिए जब तक तसल्ली होनी चाहिए, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है हम वो सब कुछ कर लेंगे, करने के बाद आप पूछता हूँ मैं पूछता हूँ क्या फायदा, नहीं क्या फायदा पैसे भी लग गए, अरे सर वो जो कहते हैं जो मतलब अलवा भी बढ़ाया यार वो भी खाया नहीं गया, फिर फायदा क्या है, अरे चीज़ बनाओ इतनी चीज लग रही है आपके सामने काम करने में और फिर भी टेस्ट नहीं बना तो फायदा नहीं है, चल पड़ते हैं एक बार क्योंकि आपको अभी तो शाम का टाइम हो गया, कल दिन में जो भी टाइम आपको टेबल हो आपको पूरी टीम लेवल से चेक कराएगी, आपको लगे हाँ एक्चुअल में लेवल से किया हुआ काम तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तोड़ के भगवान ही कर देते हैं। चलो चल लेते हैं। हाँ भैया बेटा गाड़ी ले आओ।
इसका परमानेंट सोल्यूशन भी कुछ ही है ना, नहीं ये कच्चा रहा ना पक्का है, फ्लड का धन है पक्का है, क्या नहीं बोले गाँव की निकासी यही है बस पानी के गाँव की इसका क्या ड्राइंग डिजाइन है, कौन है यहाँ, यहाँ कौन है, वो भी है कुछ साढ़े आठ है पीछे से, साढ़े आठ फुट है पीछे चौड़ा इसके, मतलब साढ़े तीन साढ़े तीन साढ़े आठ उतना ही आएगा, तो साढ़े आठ की बजाय इसने 10 फुट की थोड़ा फालतू कर दी, कल करने में 2 फुट ज्यादा कर दियो, कर देंगे सर, तो आपके रोड के बीच में हो गया तो कौन सा एक्वायर करना है और बोलो, बट ठीक है यही था, मैं कल आया ना तो सबसे ज्यादा यही ध्यान आया, मैं कभी ये ड्रेनेज वाला सिस्टम हमारा खराब है, कई चीज है ना हम लोगों की नोटिस में नहीं होती, आपने मान लो सुझाव दिया है, भाई साहब ने सुझाव दिया, दो चीजें उभर के आती है और अब बन सकती है, बाद में दिक्कत, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो हमने चाहे एक्स्ट्रा आइटम देनी हो चाहे पेमेंट कैसे करनी हो कराएंगे। आपका क्या कहना है, ऊंचा है नीचा है, ठीक है कोई जागरूक नागरिक है, अभी मैं यहाँ खड़ा आप उठता हूँ, चाबी मशीन मंगा लेना, आपका जो पानी स्टीम चल रहा है जो फ्लोर है कम से कम 1.25 मीटर नीचे, 1.25 मीटर क्या फुट, 1.25 मीटर नहीं होगा, 4 फुट तो नहीं, बिल्कुल 100% है जी, ओहो हाथ फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, सवेरे मशीन से चेक करा दूंगा ये हम लोग सर क्या है ना, ये फ्लो रोक ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हम लोगों का रोड खराब हो जाएगा, भाई हम तो यही चाह रहे रोड खराब की बजाय हमारा वो जो सिस्टम है ना वो खराब ना हो, इनको भी थोड़ा सा ऊपर करने से पहले पीछे हो रहा है, रोड का लेवल है और ऊंचा उठाना पड़ रहा है, उसको तो और कितना डाउन ले जाते हैं जितना बैठ रहे हैं, लेकिन लेवल की भी एक हद है, उसकी छत रोक देना मतलब उसकी खाली है, खाली तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा बचा अभी बच गया, और से 10 गाड़ियां निकली हैं, ना चाहे नहीं, मैंने एक जगह और जाना है एक साइड पे, और आप जैसे भाई की समस्या को दूसरे दिन किसी दिन रहते हैं, चलो मिलते रहेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फोटो आके शेयर किया, कल सुबह मैं
चले शर्मा जी चलो यार ऐसा काम करा कि ना ना कल सुबह मुझे टाइम दीजिए 10 बजे का हमारे नए की कंपनी वाले अच्छा चलो चल जाएगा चलिए बस आगे इधर से निकल रहे हैं युवराज इधर यहाँ पे कोई लैंड का भी शूट तो नहीं है ना आपका चलो इजाज़ सर ओके चलो थैंक यू चलिए तो आगे आने वाले समय में ऐसी दिक्कत ना आए ना ना होगा ये तो बहुत मैं कल देख के हैरान था मैं मुझे मिले हैं।